दर्शन और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज। मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने अनंत सिंह को फिलहाल कोर्ट चौकी पुलिस को सुपुर्द किया है। इसके साथ ही बिहार पुलिस की सूचित करने का आदेश भी दिया है। लेकिन इन सब के बीच सरेंडर से पहले ही वो अनसुनी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। अनंत सिंह को क्या करना पड़ा दिल्ली में सरेंडर और कैसे बार कोर्ट से पीछे खींचने पड़े कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। मोकामा विधायक अनंत सिंह दिल्ली में सरेंडर कर भले ही पुलिस को ठगने का दावा कर लें, लेकिन उनके सरेंडर से जुड़ी एक अहम जानकारी भी है। जानकारी यह कि बीते 3 दिन पहले अनंत सिंह ने बार कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की थी। अनंत सिंह और उनके शागिर्द लल्लू मुखिया बार कोर्ट सरेंडर करने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस की भारी चौकसी के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा था। लल्लू मुखिया ने कुर्की जब्ती से बचने के लिए रणवीर यादव को सरेंडर भी करवा दिया था, लेकिन पुलिस हर हाल में लल्लू मुखिया को सरेंडर करवाना चाहती थी और इसलिए आखिर में उसके घर की कुर्की जब्ती कर ली गई। सूत्रों के अनुसार 20 अगस्त को अनंत सिंह बार कोर्ट में सरेंडर करने आए थे। वहां पुलिस का भारी बंदोबस्त देखकर अनंत सिंह की हिम्मत जवाब दे गई और वह उल्टे पांव लौट गए, क्योंकि बार कोर्ट के इर्द गिर्द पुलिस का सख्त पहरा रखा गया था। पुलिस के इस सख्त पहरे के कारण अनंत सिंह, लल्लू मुखिया, भूषण सिंह, रजनीश उर्फ चूहा जैसे फरार लोग आत्मसमर्पण की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पुलिस हर हाल में इन्हें गिरफ्तार करने पर आमादा थी। यही कारण है कि बार कोर्ट की इर्द गिर्द पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है। सोर्स बता रहे हैं कि 20 अगस्त को जब लल्लू मुखिया और उसके भाई रणवीर यादव के खिलाफ कुर्की वारंट पुलिस को मिला था, तब अनंत सिंह और लल्लू मुखिया भी बार आ गए थे और सरेंडर करना चाहते थे। हालांकि पुलिस के तगड़े इंतजाम को देखकर वे लोग उल्टे पांव वापस लौट गए। रणनीति के तहत रणवीर यादव को सरेंडर कराया गया ताकि लल्लू मुखिया के घर की कुर्की टल जाए, लेकिन पुलिस लल्लू मुखिया को सरेंडर कराने पर अड़ी रही और लल्लू मुखिया के घर की कुर्की जब्ती कर ली गई। सूत्रों की माने तो अनंत सिंह उसी डर के कारण आत्मसमर्पण करने से बचते रहे और आखिर में दिल्ली के साकेत कोर्ट में उन्होंने सरेंडर कर दिया। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।